नमस्ते दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं मनी हाइस्ट के सीजन 1 के एपिसोड 4 के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसके लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं डेनवर मोनिका पर शूट ना करके दूसरी तरफ गोली चला देता है, क्योंकि वो मोनिका को मारना नहीं चाहता था। मोनिका कहती है वो उसके थाइस पर गोली मार दे, जिसकी वजह से ढेर सारा खून बहेगा और वो जाकर एक लॉकर रूम में छुप जाएगी। डेनवर ठीक वैसा ही करता है, तब तक बर्लिन आ जाता है। बर्लिन को लगता है मोनिका को मार दिया गया है। इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर को दोबारा फ़ोन करती हैं और सरेंडर करने को कहती हैं, लेकिन प्रोफेसर उनकी बात ना मानते हुए कहते हैं कि आपने कभी किसी बच्चे को खेल में पकड़े जाने से पहले सरेंडर करते हुए देखा है। प्रोफेसर इंस्पेक्टर से ये भी कहते हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हमें पकड़ के दिखाओ या तो मासूम लोगों की जान बचा लो। अगर आपने हमें पकड़ने की कोशिश नहीं की तो सारे 67 होस्टेजेस को सही सलामत छोड़ दिया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर ऐसा करते नहीं, ये तो बस एक चाल थी। अब प्रोफेसर के फ़ोन पर इंस्पेक्टर रकेल की माँ का फ़ोन आता है, क्योंकि रकेल ने प्रोफेसर के ही फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन किया था रेस्टोरेंट में उस दिन। रकेल की माँ कहती हैं, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ हैं? एक तरफ इंस्पेक्टर रकेल को समझ आने लगता है कि रॉबर्स का असली मकसद लॉकर से पैसे चुराने का नहीं है, जबकि वो नोट्स प्रिंट कर रहे हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रोफेसर इंस्पेक्टर रकेल को फ़ोन देने के बहाने म्यूजियम के बाहर पहुंच जाते हैं और कैंप के अंदर चले जाते हैं। रकेल की माँ उसे कहती हैं उसकी बेटी घर पर नहीं है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं। प्रोफेसर कैंप के अंदर क्या चल रहा है वो सब देख लेते हैं। एक तरफ टोक्यो और बाकी सारे रॉबर्स बर्लिन से पूछते हैं कि किसने और क्यों गोली चलाई। प्रोफेसर के रूल के अनुसार वो किसी भी होस्टेज की जान नहीं ले सकते हैं। रियो प्रोफेसर को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि वो वहाँ पर थे ही नहीं। बर्लिन कहता है, इस हाइस्ट का इंचार्ज मैं हूँ। तब तक मॉस्को आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। टोक्यो कहती है बर्लिन ने एक होस्टेज को मार देने के लिए कहा था। मॉस्को पूछता है ये काम किसने किया। वो कहते हैं डेनवर ने। तब मॉस्को बिल्कुल शॉक में आ जाता है। मॉस्को डेनवर को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं डेनवर खून साफ कर रहा था। मॉस्को को लगता है डेनवर ने एक होस्टेज का खून कर दिया है, इसलिए उसे पैनिक अटैक आ जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जैसा कि आप सबने देखा था, डेनवर ने मोनिका को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर रकेल अपने घर पहुंच जाती हैं और देखती हैं उनकी बेटी अपने पापा के साथ है। इंस्पेक्टर रकेल अपने पति से कई सालों पहले अलग हो चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें प्रोफेसर का कॉल आता है और वो कहते हैं मेरा फ़ोन आपके पास ही रह गया है। फ़ोन रिटर्न करने के लिए वो लोग दोबारा उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते हैं। डेनवर मोनिका को उसके बताए हुए लॉकर रूम में छुपा देता है, और क्योंकि मोनिका को गोली लगी हुई थी और वो गोली को निकाल नहीं पाया था, इसलिए डेनवर मोनिका को कुछ मेडिसिन देता है दर्द कम करने के लिए। मॉस्को को जब होश आता है तब वो बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को सरेंडर करने के लिए म्यूजियम के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन उतने में ही डेनवर वहाँ आ जाता है और मॉस्को को पीछे खींच लेता है और चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले दोनों के चेहरे को नहीं देख पाते हैं। डेनवर मॉस्को से कहता है मैंने मोनिका को नहीं मारा, वो अब भी जिंदा है, और दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर को अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती हैं कि वो दोनों क्यों अलग हुए थे। इंस्पेक्टर का कहना था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अलग हो गई, और अब उनकी छोटी बहन और एक्स हस्बैंड के बीच अफेयर चल रहा है। ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। तब सब इंस्पेक्टर एंजल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि म्यूजियम का दरवाज़ा खुला था, लड़ाई हो रही थी और शायद वो होस्टेजेस थे, हमें जाना होगा। अब म्यूजियम के अंदर डेनवर सारे होस्टेजेस को छत के पास ले जाकर कहता है मास्क पहन लेने के लिए, ताकि वो सब म्यूजियम के छत पर जा सके खुली हवा में, क्योंकि मॉस्को को ताज़ी हवा की ज़रूरत थी पैनिक अटैक आने की वजह से, और इसी बहाने बाकी सारे होस्टेजेस भी ताज़ी हवा ले सकते थे कुछ देर के लिए। इंस्पेक्टर रकेल कैंप में आकर म्यूजियम का फुटेज देखती हैं और कहती हैं इन में से कोई भी होस्टेज नहीं है। अब डेनवर और मॉस्को बाकी के होस्टेजेस के साथ छत पर आते हैं। कैंप में पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और शूटर्स उन सब पर एम कर लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता है कि उनमें से होस्टेजेस कौन हैं और रॉबर्स कौन हैं।
मॉस्को डेनवर से पूछता है, तुमने सच में मोनिका को नहीं मारा ना? डेनवर कहता है, मैंने नहीं मारा। और तब इन दोनों की बातें आर्टुरो सुन लेता है और गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है कि बताओ मोनिका कहाँ है, तुम लोगों ने ज़रूर मोनिका को मार दिया है। मॉस्को की नज़र एक शूटर पर पड़ती है और वो सबको नीचे बैठने के लिए कहता है। आर्टुरो अकेला पुलिस की तरफ पीठ दिखाकर खड़ा रह जाता है, हाथ में नकली गन लिए हुए। पुलिस वालों को और शूटर्स को लगता है कि वही रॉबर है और ऑर्डर मिलने पर उसे शूट कर दिया जाता है। आर्टुरो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका मास्क हट जाता है। तब पुलिस वाले देखते हैं कि उन्होंने गलती से म्यूजियम के डायरेक्टर आर्टुरो रोमान को ही गोली मार दिया है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। अगला एपिसोड और भी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।